मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज मुजफ्फरपुर में मुजफ्फरपुर हाजीपुर फोर लेन के निर्माणाधीन बाईपास NH-77 का निरीक्षण किया। उन्होंने पकड़ी पताही में चल रहे निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की और अधिकारियों को जल्द से जल्द निर्माण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने परियोजना की समीक्षा बैठक की, जिसमें पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने फोर लेन के निर्माण को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साल 2012 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट का बचे हुए कार्य को नवम्बर तक पूरा कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने 17 किलोमीटर लंबे बाईपास निर्माण को प्राथमिकता देते हुए कहा कि इससे न केवल आवागमन में सुविधा होगी बल्कि मुजफ्फरपुर और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सकरी सरैया में तुर्की थाना भवन का निरीक्षण और उद्घाटन किया। उन्होंने 15.3 करोड़ रुपए की लागत से 3 नए थाना भवनों का उद्घाटन और 32.76 करोड़ रुपए की लागत से 6 नए थाना भवनों का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया और लाभुकों को चेक वितरित किए। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज यहाँ पर विजिट किया गया था। इसमें मुख्यतः जो मुजफ्फरपुर का बाईपास बन रहा है, जो मधौल से शुरू होकर के आगे मोतिहारी रोड में जाके मिलता है, उसकी प्रगति की समीक्षा भी वहीं साइट पर ही की गई और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका भ्रमण भी करके और कार्य की स्थिति की जानकारी ली गई। उसके बाद जो तुर्की थाना का निर्माणाधीन भवन है, वहाँ पर भी उनके द्वारा विजिट किया गया और कार्य की प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही साथ मुजफ्फरपुर जिले में जो 7 नए थाना भवन और ऐसे पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा भवन बनाए जा रहे हैं, उनका शिलान्यास किया गया। 3 थाना भवन जजुआर, हत्था और SC/ST थाना जो बन करके तैयार है, उनका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 7 बिल्डिंग्स के ऊपर में ग्रिड कनेक्टेड रूफ टॉप सोलर प्लांट लगाया जाना है, उसके भी अधिष्ठापन का शिलान्यास उसी परिसर से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। कुछ निर्देश भी दिए गए अंदर सभी कार्यों को निरीक्षण किया गया और कार्यों के समुचित समय जो उनकी समय सीमा है उसके अंदर समाप्त करने को और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिया गया।